नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ ब्रेकिंग न्यूज। किसानों ने मोदी सरकार को दिखाई आग, कहा कानून वापसी तक घर वापसी नहीं होगी, सरकार के सामने नहीं झुकेंगे किसान। मिशन बंगाल के तहत आज पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वर्धमान से शुरू करेंगे बंगाल की दूसरी यात्रा। बिहार में बड़ी बीजेपी और जेडीयू के बीच तकरार, मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठहराया बीजेपी को जिम्मेदार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक बार फिर से सिंधिया को घेरा, कहा सिंधिया की गद्दारी की वजह से हुआ पूरा परिवार लज्जित, कांग्रेस को मिला बड़ा धोखा। खापों ने दी मोदी सरकार को चेतावनी, 26 जनवरी को 1,00,000 ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुसेंगे किसान, अब जीत छोड़ दे सरकार। देश के 6 राज्यों में वायरस की पुष्टि, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी, पंजाब में पोल्ट्री के आयात पर लगाया प्रतिबंध। घरेलू बाजार में लगातार 2 दिन की बढ़ोतरी के बाद आज दूसरे दिन तेल की कीमतों में रही शांति, 2 दिन में पेट्रोल और डीजल हो चुका है 49 और 51 पैसे प्रति लीटर महंगा। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। देखते रहिए जनता समाचार, ताजा खबरों के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना न भूलें। आप देख रहे हैं जनता।